नमस्कार, आरोग्य ब्रह्मांड कार्यक्रम में मैं प्रियंका शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो आज ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। भारत की कहें तो भारत में ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है। कुछ अनुमानों में यहाँ तक कहा गया है कि कुछ सालों बाद ये कई गुना तक बढ़ सकती है। लेकिन मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद के माध्यम से डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है और लाइफ को बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन कैसे, ये आज हम जानेंगे और जानेंगे कि डायबिटीज़ के क्या क्या कारण होते हैं और किस तरह ये हमारे शरीर को प्रभावित करती है। ये सब बातचीत और ये सब बातें बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आयुर्वेदाचार्य स्वामी ब्रह्मांडपुरी जी महाराज, जो आपकी समस्त समस्याओं का निदान करने का एक सार्थक प्रयास करते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, दर्शकों, हर बीमारी का इलाज संभव है आयुर्वेद के माध्यम से। अगर आप भी अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं और डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से स्वामी जी से बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या बताकर उसका समाधान पा सकते हैं। स्वामी जी, जैसा कि आज हमारा विषय है डायबिटीज, एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है और अगर भारत में कहें तो 4.5 करोड़ लोग डायबिटीज का शिकार हो चुके हैं। हम चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम का मकसद है कि आगे ये बीमारी ना बढ़े। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में इसे महारोग क्यों कहा गया है? देखिए, आयुर्वेद में इसको महारोग ये कहा गया कि जाइए ग्रामीण भाषाओं में, और ये अशिक्षित क्षेत्र का शब्द है महारोग लग जाना। महारोग का मतलब वो रोग जो कभी ठीक ही ना हो सके। जी जी जी। तो जो आयुर्वेद के अंदर अगर देखेंगे तो डायबिटीज का कंट्रोल रोगी स्वयं कर सकता है, क्योंकि आदमी को अपनी जिह्वा से नियंत्रण रखना है, अपनी नींद पे नियंत्रण रखना है, खान पान पे नियंत्रण रखना। आरोग्य ब्रह्मांड के माध्यम से हम लोगों को समझाना चाहते हैं, पर जो समझना ही नहीं चाहते उनके लिए मेरे पास क्या इलाज है, ये भी पॉइंट है। तो मैं भी अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी, स्वामी जी की बातचीत को गौर से सुनिए, क्योंकि आज हमने ये विषय एक अहम विषय इसलिए लिया है क्योंकि ये प्रॉब्लम हर घर के 5 में से 4 सदस्यों को प्रॉब्लम है ही है। तो मैं ये जानना चाहती हूं और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि डायबिटीज किस किस कारण से होती है। देखिए, डायबिटीज को आयुर्वेद में मधुमेह के नाम से जाना जाता है और कुछ क्षेत्रों में इसे साकर कहते हैं, कुछ जगह शुगर कहते हैं, कुछ जगह अलग अलग तरीके से इनको कहा जाता है। विषय यह है कि यह बीमारी होती कैसे है और इसके कारण क्या 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 है। तो प्रकृति में 4 प्रकार की प्रियंका जी अग्नि है, जठराग्नि, मंदाग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि। तो जो जठराग्नि हमारे पेट में रहती है और इसी को 2B 4B भी कह सकते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। दावाग्नि है जिसे हम चूल्हे में इस्तेमाल करते हैं। बड़वाग्नि वो है जिससे हम समुद्र में ज्वालामुखी जैसी घटनाएं आती हैं, आयुर्वेद के शब्द हैं, जब हमारा पाचन रस पूर्ण रूप से नहीं बनता है। जठराग्नि, मंदाग्नि बढ़ जाती है। मल हमारा सूख करके आंतों में चिपक जाता है। जब मल सूख करके हमारी आंतों में चिपक जाता है तो हमारा पेनक्रियाज डिस्टर्ब होने लगता है। पेनक्रियाज का काम है बॉडी को इंसुलिन जनरेट करके देना। तो या तो बहुत ज्यादा बनाता है या बहुत कम बनाता है। उसके कारण आज के समय व्यक्ति को समय से भोजन करना नहीं है। भौतिक युगों में प्रगति की होड़ में बढ़ती हुई दुनिया ने जीवन की इच्छाएं तो रख ली है पर जीवन जीने की कला ही भूल बैठा है। आहार, विहार, संयम, ये 3 चीजों का अगर व्यक्ति नियंत्रण करता है तो डायबिटीज ऐसे ही 15% से 20% कंट्रोल हो जाती है। जी स्वामी जी, जैसा कि हमारे एक कार्यक्रम का मकसद ये भी है कि लोग जागरूक हों इस बीमारी के माध्यम से, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, जो हम रेशो एक लेकर आए हैं 4.5 करोड़ लोग इस डायबिटीज जैसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं और देखा जाए तो आगे ये और बढ़ने वाली है, तो इसका कारण क्या है, इस बीमारी का इतना फैलने का कारण क्या है? इस बीमारी के फैलने का जो कारण है उसमें यही है ना कि फिजिकली आप अब वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे शरीर को जनरेट करना, हमारे शरीर को एक्टिव रखना, स्फूर्ति प्रदान करना, जी, जी, जी। शरीर से पसीना निकलना बहुत जरूरी है। हम प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों से दूर हो गए। जी, एक व्यक्ति को
साधारण समझा रहे हैं कि अगर जैसे बुजुर्गों ने कहा था कि बेटा घी खाना, दूध पीना, दही पीना, अगर तूने मेहनत नहीं करे तो शरीर में दुखा होने लगेगा, जबकि ये एनर्जिकल है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो हमें फिजिकली मूवमेंट चाहिए वो खत्म होता चला जा रहा है। हर व्यक्ति सुख साधन से परिपूर्ण हो गया है लेकिन फिजिकली मूवमेंट नहीं कर सकता। आज की स्थिति ऐसी है कि कुछ युवाओं को अगर 10 किलो वेट दें तो नहीं उठा सकते जी, लेकिन पूर्व समय में 100-100 किलो वेट उठा लेते। फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं है उनमें, फिजिकल वर्क ही नहीं करना चाहते हैं और मेंटली ज्यादा वर्क करते हैं। मेंटली मतलब ड्रीम लाइफ में जी रहे हैं कि चलो भैया मेरे को ये चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसे भी करना, वैसी, बट वैसे योग बनना नहीं है, चीजें सारी चाहिए। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि तनाव में रहना भी डायबिटीज का एक कारण है? नहीं जी, तनाव में रहना तो एक कारण है जी मूल, क्योंकि इसे सेल्फ क्रिएटेड कहा गया है। ओके, मानसिक रूप से अगर आप ज्यादा प्रताड़ित रहेंगे या आप ज्यादा विचार करेंगे तो डायबिटीज होगा जी जी, उसमें टाइप 1 होगा या टाइप 2 होगा। आयुर्वेद में इसको अष्टादश वात रोग मधुमेह त्रयोदशा है ना जी, त्रयोदश प्रकार का इसको मधुमेह बताया गया, और एलोपैथ में सिर्फ 2 प्रकार का बताया गया जी जी जी। लेकिन तनाव में रहने से खाली एक डायबिटीज नहीं आएगा ना, एंजाइटी भी हो सकता है, आपका बीपी भी डाउन हो सकता है जी। और डायबिटीज जब आएगी तो आदमी को सब कुछ होते हुए उसका जीवन व्यर्थ कर देती है। अच्छा स्वामी जी, हम बात करें कि प्रभावित करने की, तो जब अगर हमें डायबिटीज हो गई है फॉर एग्जांपल, तो वो हमारे शरीर के किन किन रोगों को प्रभावित करे? देखिए शरीर में सबसे पहले समझ लें आप और हमारे दर्शक भी समझ लें कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है तो 80% बीमारियां आपसे पहले ही दूर चली जाएंगी जी। अब डायबिटीज जब आता है तो उसका सबसे पहला सीधा प्रभाव आंखों पे होता है जी, मोतियाबिंद जैसे बीमारियां होने लगती हैं। दूसरा, वो यवन शक्ति को छीण कर देता है। डायबिटीज अगर ज्यादा बढ़ गया या कम हो गया तो आप ये समझ के चलिए कि उसे पैरालिसिस भी हो सकता है, ज्यादा डंप हो गया तो कोमा में भी जा सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, पैरों में जलन हो सकती है, पिंडलियों में अकड़न हो सकती है। लेकिन इसको नियंत्रित करने की अगर आप बात करेंगे तो एलोपैथ में कोई डॉक्टर डायबिटीज को खत्म करने की दवा नहीं देता है, वो इंसुलिन देता है जी जी जी, चाहे वो टेबलेट फॉर्म में हो या इंजेक्शन फॉर्म में हो। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को उन्होंने दिया है दवा, तो भोजन करने से 10 मिनट पहले उतनी यूनिट इंसुलिन लेना है, और अगर वो 20 मिनट बाद खाना खाएगा तो उसका असर खत्म हो जाएगा जी। फिर वो धीरे धीरे उसको लेता जाएगा और उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी, अंत में जो हो जाएगा डेड, मतलब वो काम नहीं करेगा, और किडनी पे साइड इफेक्ट चला जाएगा उसका, किडनी भी फेल हो जाएगी, बहुत सारे उससे साइड इफेक्ट है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज की बात करें तो कितने टाइप्स की होती है? आयुर्वेद में, एलोपैथ में जहाँ तक मेरा नॉलेज है 2 प्रकार की बताया गया, लेकिन आयुर्वेद में तो 27 प्रकार की बताई गई है जी, और जी। कुछ संहिताओं में जाएंगे तो 32 प्रकार की बताई गई है जी। जैसे एक आदमी बार बार करता है उसके यूरिन में प्रोटीन जाता है तो उसको अलग कहा जाएगा, एक आदमी ड्रिंक करता है ड्रिंक करने के बाद शुगर है तो उसे कुछ और कहा जाएगा। आयुर्वेद ने तो हर चीज को अलग अलग तरीके से देखा है, दोनों थेरेपियों में एक अंतर है, ये सिर्फ नाम देना जानते हैं और वो थेरेपी कारण को ढूंढती है कि इसका रीजन क्या है, क्यों हुई है ये बीमारी जी। इसलिए आयुर्वेद की अगर प्रक्रियाओं को देखेंगे तो आयुर्वेद ने अपने साथ कई चीजों को संजोया है भाई, आपको पहले पंचकर्मा संजोया उसने, ये आयुर्वेद की परंपरा है। जो योगा सिखा रहे हैं ना बड़े बड़े लोग, ये योगा नहीं है, योग का मतलब है अयोग्य को भी योग्य बना देना। योगा की श्रृंखला अलग है, तो ये जो आप क्या कर रहे हैं, नेति धेति कपाल भस्ति उड्डयन और नौली, ये पंचकर्म की प्रक्रिया है जो नाड़ी शोधन का काम करती है। जैसे शंख प्रच्छालन, शंख को धो देना, ऐसे अंतरांगों को स्वच्छ कर देना, वहां से हमारी प्रक्रियाएं शुरू होती है। शंख प्रच्छालन करने के बाद अगर हम डायबिटिक मेडिसिन लेते हैं तो क्योरेबल तुरंत हो जाएगा। आहार विहार में नियंत्रण रखना है, ओंकार की नाद लगाना है, साधना करना है। वाकई में अगर डायबिटीज पेशेंट ज्यादा है और जब वो मेंटली डिप्रेस्ड हो तो अपने ब्रेन को कन्वर्ट कर दे तो भी 5% उसको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। स्वामी जी, जैसे कि आप टाइप्स ऑफ डायबिटीज बता रहे हैं तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी क्योरेबल है और कौन सी नॉन क्योरेबल। देखिए जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी आवाज़ बड़ी छोटी होती है और बहुत बहुत पेशेंसफुल आदमी है, लेकिन बच्चे की आवाज़ है, मुझे पता है कि जोर से चिल्लाने पे लोग समझेंगे जी। मैं एक लाइन में भरोसा रखता हूँ कि प्रकृति में जिसका उत्थान है उसका पतन सुनिश्चित है। प्रकृति में जिन चीजों का उत्थान है उसका पतन सुनिश्चित है। अनुवांशिक जेनेटिक बीमारियां जिसे लोग कहते हैं, एलोपैथ का ये कहना है कि मान लीजिए
आपके नाना को, दादा को, दादी को या मामा को या परिवार में किसी को अगर डायबिटीज रहा है तो ये केस के बाद आपको कम्प्लीटली वो डायबिटीज हो जाएगा और वो नियंत्रण में रह सकता है लेकिन क्योर परमानेंट नहीं हो सकता। लेकिन इनको ये नहीं ज्ञान है कि इन चीजों का भी 10 साल के बच्चे में आजकल डायबिटीज मिलता है जबकि उसके खानदान में कुछ भी नहीं है। हमने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनकी इस नाखून से ऐसे शक्कर गिरते हैं और उनको भी ट्रीट किया है। आयुर्वेद को चैलेंज देने वाली तो कोई थेरेपी है ही नहीं जी। बट दुर्दैव है कि भारत में भारतीय प्रतिभा का मूल्यांकन नहीं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहती हूँ, दर्शकों अगर आप भी फिट रहना चाहते हैं और अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉल करना होगा उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आयुर्वेद के माध्यम से डायबिटीज जैसे घातक रोग को भी ठीक किया जा सकता है, ये मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से 110% कहना चाहती हूँ। स्वामी जी गारंटेड बोलते हैं कि डायबिटीज तक का इलाज आयुर्वेद में क्योरेबल है। तो फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। लाइव बातचीत करें स्वामी जी से और समाधान पाएं अपनी हर बीमारी का और अपने शरीर को निरोगी बनाएं। स्वामी जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में, तो मैं अब आपसे जानना चाहती हूं कि अगर पहचानने की बात करें कि हम उसको पहचाने कैसे, हमारे घर के किसी सदस्य को डायबिटीज हो गई है तो उसके लक्षण क्या क्या है? देखिए, डायबिटीज के पेशेंट के 2-3 लक्षण है लेकिन अगर उसकी समझ में नहीं आए तो प्रोस्टेट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकते हैं जी। जैसे डायबिटीज को बार बार यूरिन जाना, बार बार भूख लगना, समय पे खाना नहीं खाया तो चक्कर आना जी, यवन शक्ति का क्षीण हो जाना, पुरुष तत्व का क्षीण हो जाना, बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी समझ जाता है लेकिन आदमी जो है अभी हमारे जो आजकल औषधि लेने वाले रोगी हैं या हमारे मित्र हैं या जो भी है, आदमी क्या नेचर अलग कर लेता है कि उसको थोड़ा सा लाभ मिला तो चलो बाद में देखेंगे, फिर बाद में तो उसको लाइट भी अगर लक्षण नजर आते हैं तो उसको डिले ना करें। और मैं तो कहता हूं लगभग उसे बिफोर ही चेक करा लें, खाने से 2 घंटा पहले, और बाद में तुरंत उसे अपने खान पान पे ध्यान रखें जी। आइए स्वामी जी, एक कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। जी राहुल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, जयपुर से। जी बताइए अपनी समस्या बताइए। बाबा जी, मेरे स्किन पे ब्लैक ब्लैक डॉट्स हो रहे हैं चेहरे पे, इसकी क्या करूँ मैं? कितने टाइम से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है? 4-5 महीने से। 4-5 महीने से, और आपकी एज क्या है? 24। राहुल जी, आप एक तो फ्रस्ट्रेशन से बाहर आइए, ज्यादा सोचना मत करिए तब तक जब तक आप मेरी दवा नहीं मंगा रहे हैं। 100 ग्राम सरसों का तेल लें और इसमें 30 से 40 लहसुन की कली डाल करके उबाल लें और उसको फेस पर दोनों समय लगाकर सोया करें। सुबेरे नीम का पत्ता और फटकरी इसको गर्म करके उसको मुंह को धो लिया करिए और बाकी आप हमारे यहाँ से दवा मंगा लीजिए। इसे रक्त विकार कहते हैं। कुछ लोग नगर में, गांव में कहते हैं कि भाई इसको इंटरनल हीट से होता है लेकिन वो स्पॉट्स ब्लैक नहीं होते कभी भी, तो इसलिए आप तत्काल ही दवा मंगा लीजिए और विलम्ब ना करिए, ठीक है जी? जी। तो स्वामी जी, मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से और आपके माध्यम से दर्शकों से कहना चाहूंगी, दर्शकों डायबिटीज का इलाज संभव है। आप भी अगर चाहते हैं कि आप निरोगी रहें और डायबिटीज मुक्त रहें, क्योंकि ये एक ऐसा रोग है जो एक बार लग जाए, जैसे कि एलोपैथ में कहा गया है कि एक बार अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो फिर उसका कोई निदान आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन स्वामी जी हमारे कहते हैं कि आयुर्वेद में इसका 110% एक क्योर है, क्या मैं सही कह रही हूँ स्वामी जी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और खाली एक डायबिटीज की बात नहीं कर सकते हैं हम जी, जी किसी भी बीमारी की। जैसा कि मैं स्वामी जी भी कह रहे हैं और मैं भी कह रही हूँ कि अगर कोई भी बीमारी से आप पीड़ित हैं और जानना चाह रहे हैं कि उस रोग को दूर कैसे किया जाए तो फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हल्दी, जीरा, मिर्च, धनिया, हींग और गरम मसाला, अक्षत मसाले शुद्धता की पहचान, स्वाद और सेहत में सबसे आगे। अक्षत मसालों की होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें, हमारा नंबर है 9932020287, 8860867515। ब्रह्मांड आयुर्वेद फार्मेसी को चाहिए संपूर्ण भारत में डिस्ट्रीब्यूटर, संपर्क करें 9923020287, 9821201498। अक्षत फूड प्रोडक्ट को चाहिए संपूर्ण भारत में फ्रेंचाइजी व डिस्ट्रीब्यूटर, संपर्क करें 9923020287।
9821201498। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम आरोग्य ब्रह्मांड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। और आपकी सभी समस्याओं के निदान के लिए, आपको रोगी से निरोगी बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आयुर्वेदाचार्य स्वामी ब्रह्मांड पुरी जी महाराज, जो आपको सभी रोगों से निरोगी बनाने का एक सार्थक प्रयास करते हैं और गारंटी लेते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से हर बीमारी का इलाज संभव है। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में। अगर आपका कोई भी सवाल है डायबिटीज को लेकर या किसी भी अन्य को लेकर, तो फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। स्वामी जी, जैसा कि हम डायबिटीज हमारा विषय है, तो मैं जानना चाहती हूं कि डायबिटीज के लिए आयुर्वेद में कौन कौन से इलाज संभव है। देखिए, डायबिटीज के आयुर्वेद में काफी इलाज है जी। खासतौर से आयुर्वेद में शास्त्रोक्त पद्धति से औषधियां निर्मित की गई, जिनको ज्ञान नहीं हो भी बोल देते। साधारण गाँव के लोगों को जो नॉर्मल है, तो एक पनीर का फूल आता है, पनीर के चार फूल को शाम को पानी में भिगाकर सुबह खाली पेट पीने से तो भी उनको राहत मिल जाती है। नीम का पत्ता, जीरा, गुड़बेल, सदाबहार के फूल या उसके पत्तों का मिश्रण बनाकर लेने से भी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाती है। अब लोग देते हैं और लेते भी हैं, लेकिन उसके साथ नियंत्रण बहुत जरूरी है। आपको एल्कोहल ड्रिंक नहीं करना चाहिए, आपको इरिटेट नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जब भी डायबिटीज आएगी तो अकेले नहीं आएगी, उसके साथ ढेर सारी बीमारियां आ जाएंगी। आयुर्वेद में हमारे यहाँ की अगर बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर ब्रह्मांड मेहा चूर्ण हम देते हैं, खाना खाने से पहले एक चम्मच और दोनों टाइम खाना खाने से पहले एक चम्मच देते हैं, और खाने के बाद में हम ब्रह्मांड पाचक चूर्ण देते हैं। क्योंकि जब तक आपका डाइजेशन सही नहीं होगा, तब तक आप ये मान करके चलिए कि आप डायबिटीज से मुक्त नहीं हो सकते जी। और जो परे में या तलवे में जलन हो जाती है, उसके लिए हम मसाज ऑइलमेंट देते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है अपने दर्शकों से कि औषधि कड़वी है, उसे खाने की इच्छा करें, क्योंकि कभी भी डायबिटीज को नियंत्रण अम्लीय और कड़वी वस्तु ही करती है जी। जैसे कोई भी औषधि ज़्यादातर आयुर्वेद की किसी भी कंपनी की आएगी, तो उसमें करेले का पाउडर भी होगा, उसमें गुड़मार भी होगा, उसमें अजवाइन भी होगा, उसमें जामुन की गुठली का पाउडर भी होगा, उसमें बेल पत्र भी होंगे। तो ये सारी चीजें मिलकर के एक अष्टांग औषधियां बन जाती हैं, जो आपके शरीर को पूर्ण रूप से निरोगी बनाती है। आइए स्वामी जी, कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अम्बालाल पटेल जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गुजरात से बोलता हूँ, गुजरात में असाना जिला से जी। बताइए अपनी समस्या बताइए। मैं लकवा का पेशेंट हूँ डॉक्टर जी। कब हुआ था आपको लकवा? हाँ, आज करीब 7 बरस हो गया है जी। ठीक है, मैं आपको सुन रहा हूँ पटेल साहब। आपको डायबिटीज है या बीपी है? नहीं, मुझे बीपी था। बीपी हाइपर होने के बाद ये अटैक आया या बीपी डाउन होने के बाद आया? ना, बीपी हाई हुई थी, 240 हो गई थी। सेकेंड अटैक है ये? हाँ जी, सेकेंड अटैक है। पहला माइनर अटैक था, उसके बाद हाइपर बड़ा अटैक आया है। हुआ था। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, चलिए वो तो जो किसी भी कारण से हुआ, बात निदान की करते हैं। आपके ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट है, वो कितने सेंटीमीटर का था, वो डिसॉल्व हुआ है या नहीं है? नहीं, मेरा, मैं कोमा में गया था 4 दिन, जब मुझे लफा पड़ा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बच गए आप, ब्रेन हेमरेज इंडिकेशन था। 4 दिन लफा में गया था, 3 नसें टूट गई है मगज की। हाँ जी, अभी तो मैं ठीक बोल सकता हूँ। मेरे जो मसल है पैर के और हाथ के मसल, बहुत दुखते हैं। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप हमारे यहाँ से दवा मंगा लीजिए। आपके लिए एक्सटर्नल यूज में मसाज साइलमेंट रहेगा, और खाने के लिए ब्लड को सर्कुलेशन पैरालिसिस जो है ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है। मस्तिष्क में रक्त संचार जब हमारी नसों में नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो पटेल जी, आप हमारे यहाँ से दवा मंगवा लीजिए। 1-2 महीने में जब थोड़ा चलने फिरने लगे, तो एक बार आकर के मिलिए, जिससे, क्योंकि ये दोबारा हो सकता है जी। दोबारा ना हो, इसके लिए आपको लिए परमानेंट दवा देंगे। ठीक है जी। कॉलर लगातार स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, अपना जी नाम बताइए। मैं साहब अजमेर राजस्थान से बोल रहा हूँ, मोहन सिंह रावत जी। मोहन जी बताइए अपनी समस्या बताइए। हाँ सर, मैं ग्राम पंचायत भूबानी से सरपंच हूँ, और मेरी मिसेज है, उसका 7-8 साल से दवा चल रहा है जी। किस चीज का?
साहब उनको क्या है कि पेट में ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद बच्चा पेट में सूख गया था। अच्छा। उसके बाद पेट में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उसको बहुत बड़ी मुश्किल से अस्पताल में से बची, खून ब्लड ज्यादा बह गया था। जी जी जी। उसके बाद डॉक्टर से मिले हम जयपुर से, तो थायराइड का उनको बताया था। थायराइड में आपकी TSH तीनों थायराइड की रिपोर्ट बताइए कितना पर आया है। थायराइड में सर वो एक गोली चलती है, डेली हम लेते हैं 125 कुछ MG। जी जी जी। और जी? इनको साहब मेरी मिसेज को वो BP भी रहता है और वो शुगर भी रहता है। ओके ठीक है, इनके लिए दवाइयाँ मिल जाएंगी, मैं आपकी बातों को समझ चुका हूँ, आप दवा मंगा लीजिए और थोड़ा सा इनको इनके आसपास का माहौल है ना थोड़ा सा अच्छा सा रखिए, इनके सामने निगेटिव चर्चाएं मत करिए, क्योंकि इनको थायराइड है, जिलेटिन बढ़ गया, इनका बोन म्यूरोज वीक है, इनको पिंडलियों में अकड़न और फीवर्स बने रहेंगे। इनका आपने अभी तक क्या दवा किया मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप मेरे यहाँ से दवाइयाँ एक साल तक ले लेते हैं तो इनको कभी लाइफ में तकलीफ नहीं होगी और पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। चलिए आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी अपना नाम बताइए। सुनील बोल रहा हूँ जी। जी बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप। मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। बताइए अपनी समस्या बताइए। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड की दिक्कत? थायराइड की TSH बढ़ा हुआ है। हाँ TSH बढ़ा हुआ जी। TSH कितना है आपका? TSH कितना है? 6.something है। तो आपको फीवर बना रहता है, बुखार ज्यादा टाइम आता है? नहीं कम ही आता है, वैसे बना ही रहता है। चलिए ठीक है, आप दवा मंगा लीजिए और ज्यादातर आप है ना चावल, खट्टा, गरम मसाला, वातवर्धक इन चीजों को अवॉइड करिए, स्प्राउट, हरी सब्जियों का खान पान ज्यादा करिए, और दवाइयों के बिना तो निदान है नहीं, क्योंकि थायराइड को आयुर्वेद में मतलब ये जल्दी क्योर नहीं होने वाली बीमारी मानी जाती है। जी 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 जी। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, दर्शकों जब भी हम बीमार होते हैं या कोई भी हमारे घर का सदस्य बीमार होता है तो खान पान यानी कि हमारी डाइट का खास तौर से ख्याल रखा जाता है, लेकिन डायबिटीज के मरीज को सोच समझकर और मन मार कर खाना पीना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, स्वामी जी के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगी, स्वामी जी आप डायबिटीज के पेशेंट को क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? डायबिटीज के पेशेंट की लाइफ तो ऐसी हो जाती है, गरीब आदमी सोचता है को रोटी क्या खाऊं जी, रोटी के लिए पैसे नहीं है जी, और ये करोड़पति होते हुए भिखारी बन जाता है क्योंकि डॉक्टर कहता है डायबिटीज है। डायबिटीज के पेशेंट को पूर्ण रूप से मैं ये बता दूं कि जैसे आपको पूर्ण रूप से अगर बंधन ही कर दें तो आप खाएंगे क्या जी? जैसे चावल को अवॉइड करना चाहिए, फैटी आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए, बेसन अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा शुगर अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा बोले तो बिल्कुल लेना ही नहीं, क्योंकि बॉडी में 18 ग्राम शुगर चाहिए, अगर नहीं जाएगा तो भी नुकसान है। और अगर ये सोचेंगे कि इसमें ज्यादा शुगर है तो चीनी जो आप कह रहे हैं उससे ज्यादा शुगर गेहूं में है। अच्छा, अन्न में ज्यादा शुगर, अन्न में ज्यादा शुगर होता है, तो ज्वार बाजरी में ज्यादा शुगर होता है। तो आप जो भी चीज खा रहे हैं उसमें एक चीज रखें कि जो सब्जियां आप बनाते हैं उसमें हींग जरूर डालें, और खाने का जो साल्ट है उसकी जगह काला नमक ज्यादा यूज करें, भोजन चबाकर खाएं और कभी भी बार बार खाएं, भूखे ना रहें। इनको रोटी खाना है, हरी सब्जियां खानी है, बाकी जहां तक है फैटी आइटम, तीखा, खट्टा, गरम मसाला, वातवर्धक, ये अल्कोहल ड्रिंक से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि एक डायबिटिक पेशेंट जब एक पैक पीता है तो उसकी उम्र 2 घंटा कम हो जाती है। जी मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, दर्शकों जो भी स्वामी जी ने आपको सलाह दी है कि क्या खाना चाहिए आपको, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज से आपको दूर रहना चाहिए, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी दर्शकों इस चीज पर गौर फरमाइएगा और उसको अपने जहन में उतारिएगा और अपनी लाइफ स्टाइल में उसको इंक्लूड कीजिएगा, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। स्वामी जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? जयपुर जिला, मध्य प्रदेश। जी सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल खत्म कर दीजिए, ना आप हमें सुन पाएंगे ना हम आपको सुन पाएंगे। चलिए बताइए। तो क्या खत्म करें इसमें? अपनी समस्या, आवाज कम कर लीजिए, आवाज टीवी की आवाज थोड़ी, आवाज कम ही है, ये टीवी चल रही है, टीवी की आ रही है। जी चलिए बताइए अपनी समस्या बताइए। समस्या ये है मेरे को पाइल्स की शिकायत। ओके ठीक है सर, आपको पाइल्स की शिकायत है। पाइल 3 प्रकार का होता है, आव, बादी और कोम। ब्लीडिंग आप में
तो आपको ये कितने दिनों से है और कहाँ की दवाइयाँ खाई हैं आपने? हाँ बताइए। हाँ तो आप हमारे यहाँ से ही दवा मंगाएंगे। अब बाजार में ज्यादा से ज्यादा इसके लोग अर्स कुठार रस, कांचनार, गुग्गल या लगाने के लिए आयलमेंट्स वगैरह देते हैं। और ध्यान दीजिए प्रियंका जी, कभी भी किसी, कुछ लोग ऐसा है कि कहते हैं कि दवा में रिजल्ट नहीं है, हमें हमारी कंपनी किसी भी कंपनी का, बट वहाँ आहार विहार पे बहुत नियंत्रण है। खास तौर से मसाला बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इनको, और तीखा नहीं खाना चाहिए, खट्टी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। हमारे यहाँ से जब आप दवाइयाँ मंगाएंगे और उसके साथ आप परहेज करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी आईने को देखा और सूरत बदल गई, ऐसी कोई दवा नहीं है। दवा आप मंगवा लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। जी स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया और उनकी जो भी कॉल्स थी, जो भी समस्याएं थी, आपका, आपने उनका समाधान किया और डायबिटीज़ के बारे में बताया कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमारी ज़िंदगी में आ सकते हैं और किस तरीके से डायबिटीज़ होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, दर्शकों अगर आप भी हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना होगा हमें कॉल। कॉल करने के लिए आपको वो नंबर्स डायल करने होंगे जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको स्वामी जी की सलाह और उनका मार्गदर्शन जरूर प्राप्त होगा। आप चाहें तो इन नंबर्स पर कॉल करके स्वामी जी से मिलकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मिलने के लिए इन्हीं नंबर्स पर कॉल करें। फिलहाल कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का, तो मुझे और स्वामी जी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हल्दी, जीरा, मिर्च, धनिया, हींग और गरम मसाला, अक्षत मसाले शुद्धता की पहचान, स्वाद और सेहत में सबसे आगे। अक्षत मसालों की होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें, हमारा नंबर है 9932302087 8860867515। ब्रह्मांड आयुर्वेद फार्मेसी को चाहिए संपूर्ण भारत में डिस्ट्रीब्यूटर। संपर्क करें 9923020287 9821201498। अक्षत फूड प्रोडक्ट को चाहिए संपूर्ण भारत में फ्रेंचाइजी व डिस्ट्रीब्यूटर। संपर्क करें 9923020287 9821201498। ब्रह्मांड आयुर्वेदा लेकर आए हैं सभी रोगों के लिए अचूक दवा। सभी साध्य और असाध्य रोगों के लिए पाएं आजीवन दवाओं का लाभ मात्र 11,000 रुपए की लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ। मेंबरशिप लेने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, हमारा नंबर है 9371 79 2268 9158 59 69 74 7057 66 47 35 9049 32 42 83। मेंबरशिप के लिए आप हमारे बैंक अकाउंट में भी राशि को डिपॉजिट कर सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 7011 92 373 कोटक महिंद्रा बैंक। हमारा IFSC कोड है KKBK 0000697 शिवाजी नगर, जलगांव, महाराष्ट्र। पिन कोड 425001। ब्रह्मांड आयुर्वेद फार्मेसी जनसेवा में समर्पित।